गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। आज एक नई सुबह है, नया चैलेंज, तो पता नहीं आज क्या होने वाला है। तो हम आपको दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ रुके। ये हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे हम रुके थे आज की रात। ये पड़ता है सोनुआ गांव में, जो कि चाईबासा से लगभग 40-45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आज की रात हमने यहाँ गुजारा और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है। हम दिखाते हैं, इस साइड पे ट्रेन लाइन गुजरी हुई है, जो रात भर पापा पी पी पू पू करते हुए परेशान तो की, बट काफ़ी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये मेरा फर्स्ट टूर है, ऑफिशियल टूर, फर्स्ट टूर, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा वेदर का थोड़ा सा प्रॉब्लम ना कर जाए, बस यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरा ये है ना कि मेरी तबीयत थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बच के चलूँ, थोड़ा संभल के चलूँ कि मेरा तबीयत ख़राब ना हो। वैसे पानी चेंज होने से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो खैर छोड़ो गाइस। तो ये हमारा गेस्ट हाउस है जिसमें हमने आज रात गुजारा, और आज ये दिन में हम लोग फिर नई जगह को निकलेंगे। एक्चुअली हमने फॉरेस्ट गार्ड से बात कर रखा है कि वो हमें इस एरिया की जानकारी दे और हमें वो लेके चले, ताकि हम कहीं भटक ना जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए नई जगह है। ये हमारे लिए नई जगह है, तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे सुरक्षित रहे, सेफ रहे, तो ये हमारे साथ फॉरेस्ट गार्ड होने चाहिए। तो हमारे साथ होंगे, तो अभी सारे लोग जो हैं, हमारे सीनियर्स भैया लोग, वो लोग तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो तब तक मैं सोचा कि वीडियो बना लूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमें लीफ कलेक्ट करना है, सैम्पलिंग करना है, ट्री डाटा लेना है, और बाकी चीज़ों बाकी जैसे कि GPS कलेक्ट करना है ना। हमें काफ़ी एरिया में घूमना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ों का सैंपल कलेक्ट करना है। जैसे हमें साल का सैंपल कलेक्ट करना है, चिरौंजी का सैंपल कलेक्ट करना है, काला शीशम का कलेक्ट करना है, गम्हार का डेटा कलेक्ट करना है। तो देखते हैं आज के दिन कैसा रहेगा। हमने अभी नाश्ता नहीं किया है, हम नाश्ता करेंगे, देखते हैं क्या खाने को मिलेगा। यहाँ पे खाने का थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हम मिलते हैं गाइस, अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। आपको ओवरऑल जर्नी का आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप देखते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं। तो गाइस हम अब निकलने वाले हैं, तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, गेटअप हो चुका है। गेटअप क्या, जंगल झाड़ में घूमना है, तो वही सेम गेटअप सेम वे। तो हम देखते हैं, अभी निकलने को तैयारी हो रहा है, तो चलिए निकलते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। तो ये हमारा जगह है जहां हम स्टे किए। अब गेस्ट हाउस रहा तो ओवरऑल यही था जहां हम स्टे किए। और इधर रंजीत जी है, तैयार होने में लगे हुए हैं जंगल में घूमने के लिए, ब्यूटिफिकेशन। ये हमारी गाड़ी है, चेकअप चल रही है गाड़ी की, ताकि आगे का हमारा जो भी जर्नी हो वो सही सलामत रहे, इसलिए ज़रूरी है गाड़ी का चेकअप। तो चलिए गाइस मिलते हैं रास्ते पे। ये हमारे रंजीत सर जो जाने के लिए एकदम रेडी है, उतावले हैं, तो जाना चाहते हैं जंगल में सैर करने को। और ये सारे हमारे ग्रुप्स के जितने भी हैं, एक भैया पीछे से आ रहे हैं, तो हम अब निकलने को तैयार हैं, हमारी गाड़ी रेडी है। देखते हैं रास्ते का व्यू आपको दिखाते हैं, ठीक है? मिलते हैं रास्ते में।
ये हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के पास में। अभी हमने गाड़ी खड़ा किया है, पीछे से बैल बकरी आते हुए। अब हम देखते हैं हमारे गांव के एक बुजुर्ग और हमारे साथ है फॉरेस्ट गार्ड, वो हमें किस ओर ले जाते हैं जहां से हम अपना डाटा कलेक्ट कर पाए। मैप में क्लिक करिए, ऊपर में आपको जीपीएस लोकेशन दिखाएगा। कहानी हो सबका वही होगा। पार हो गया, गंगा नदी पार हो गया हम लोग। पानी घुस गया मेरे जूता में। उधर से जगह नहीं है रंजीत जी, कहाँ पार होइएगा? उधर जगह है। चलिए ये हमारे दोनों भैया जद्दोजहद में लगे हैं कि किस तरह से पार किया जाए। रंजीत सर ने पार कर लिया। एक और पकड़ो क्या दीजिए। हाँ, एक और हमारे लुपिन भैया भी आ रहे पीछे से। ऊपर चलेंगे, आगे से ऊपर चलिए। इधर तो है काफी, इधर से इस साइड का ऊपर। ये हम लोग को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया। आप तेरी की नदी पार की, आप पार हुई है इधर। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो यार, कूद जाइए। मेंटली प्रिपेयर्ड हो यार, कूद जाइए। कुछ नहीं, बातें बातें सिर्फ वहां तक जाइएगा। इधर कुछ है पत्थर, इसमें पड़ रखी है ना, फिर उसमें रखी है, फिर इसमें आ गई। खाइए दिए नाम तो अभी करो खड़े यहाँ पे आप रोड का हालत देख रहे हैं, बहुत ही खस्ता हालत में है। गांव के लोगों का कहना ये है कि पहले इधर कोई रास्ता भी नहीं था, जब किसी का तबीयत ख़राब होता था, कोई बीमार पड़ता था, तो उनको खटिया में ढो के ले जाना पड़ता था। जिस तरह से आपने देखा होगा माझी द माउंटेन मैन का हालत क्या था, उसी तरह से इस गांव इन गाँव का भी स्थिति गंभीर हुआ करता था। अभी भी कुछ सही नहीं है, बट एक
रास्ता मिला है, बना है, कुछ बहुत सही है, बाइक वगैरह चल सकती है। बट अभी देख रहे हैं बारिश के मौसम में स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो मैं बता रहा था कि गांव में जिस तरह से लोग रहते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि गांव में किस तरह से खेती की जाती है। मैं बता रहा था कि गांव में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, यहां वहां जाने के लिए रास्ता प्रोवाइडेड नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है जब किसी का तबीयत ख़राब होता है तो। लेने के लिए उनको खटिया में ढोके ले जाया जाता था पहले, अभी कुछ हद तक सुधार हुआ है बट उतना बढ़िया सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो हमारे झारखंड में भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, बट ये नज़ारे कुछ ऐसे स्थानों पे हैं जहाँ पे पहुँचना फ़िलहाल के लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इधर लोग जल्दी आना नहीं चाहते हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़ारे भी देखे। थक गया भाई, इस जगह पे चढ़ान है, चढ़ाई है, और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि जितने भी बादल हैं सारे पहाड़ को छू रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ में किस तरह से धान की खेती, मक्के की खेती, गेहूं की खेती, अभी तो गेहूं का सीज़न नहीं है बट धान मक्के की खेती की जा रही है। ये एरिया भी जो पड़ता है ये सोनुआ गांव के आसपास का जगह है। अब इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से बादल जो है वो पहाड़ों को छू रही है, और ये पहाड़ें देखने में काफ़ी नज़दीक लगती है बट जब हम उनकी ओर बढ़ते हैं तब लगता है कि ये कितने दूर है। तो चलिए हम आगे का व्यू आपको दिखाते हैं कि आगे हम कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, और हमारा काम जब ख़त्म हो जाएगा उस वक्त आपको बताएंगे, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं। अच्छा इधर चिरौंजी का लिए थे ना? अच्छा हम देख सकते हैं चिरौंजी बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम यहाँ पे पहाड़ों पे की जा रही है, और मिक्स क्रॉपिंग की जा रही है चिरौंजी के बगान में,
आपका धान लगा हुआ है, साथ में बाजरा लगा हुआ है, मिक्स क्रॉपिंग की जा रही है, हम देख सकते हैं। और हम जैसे बात कर रहे थे जो बादल पहाड़ों में आ गई वो यहाँ भी चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग की जा रही है। ये वाला चिरौंजी को ले ले क्या, ये वाला चिरौंजी ले लेते हैं। ये इसमें कोमल पत्ता है।